और रैप के मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रैप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। थाना काजी, राजस्थान। एक महिला और उसके पति को बंधक बनाया और 5 भेड़ियों ने पति के सामने ही पत्नी का बलात्कार किया। यही नहीं, वीडियो बनाकर वायरल किया। ये मां होगी किसी की, दलित थी, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की। आलापुरा, राजस्थान। एक 14 साल की मूक बधिर बेटी रात को पुल पर मिली, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह क्षत विक्षत। इसी बेटी का सालों तक इलाज चला, लेकिन जिसने ये सब किया वो पकड़ा नहीं गया। हिट एंड रन का केस बना दिया। जो बोल सकते थे उनको ही न्याय नहीं मिला, तो ये बेटी तो बोल सुन ही नहीं सकती थी, क्या ही न्याय मिलता। दलित सिख बेटी थी, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की। दौसा, राजस्थान। बीच बाजार एक कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को रोक लिया, छेड़खानी शुरू कर दी, कोई बचाने नहीं आया। बेटी ने शोर मचाया तो मारपीट शुरू कर दी, भरे बाजार रेप करने की कोशिश करने लगे। लड़की ने विरोध किया तो चले गए, कहकर गए या तो तू हमारे बच्चे पैदा करेगी या हम तेरी हत्या करेंगे, और सरकार कांग्रेस की। ये 5 साल में बेटी, बहन और माओं के ऊपर बीती मात्र कुछ घटनाएं हैं। मात्र पिछले 3 महीने में क्या क्या हुआ उसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। उदयपुर, राजस्थान। इसी साल अप्रैल में 9 साल की बेटी थी, उसका रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के 10 टुकड़े करके फेंक दिए। आदिवासी बेटी थी और सरकार कांग्रेस की। बालोतरा, राजस्थान। अप्रैल में 4 बच्चों की मां के साथ शकूर खान ने पहले बलात्कार किया और फिर थिनर डालकर सिंदा जला दिया। पड़ोसी था, महिला दलित थी और सरकार कांग्रेस की। 12, राजस्थान। मई में इसी साल एक 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, यह वानियत। सरकार कांग्रेस की। उदयपुर, राजस्थान। कुछ दिन भी नहीं बीते थे और मई में ही 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, तुरंत की, और सरकार कांग्रेस की। बीकानेर, राजस्थान। जून का महीना। एक बेटी का रेप हुआ और पता चला कि इसमें पुलिस वाले भी लिप्त थे, जिनको रक्षा करनी थी उन्होंने ही नोच डाला। बेटी दलित थी और सरकार कांग्रेस की। सिर्फ बीते 3 महीने का ये हाल है, 5 साल में क्या हुआ होगा। राजस्थान में साल 2021 में कुल 6,337 रेप के मामले सामने आए, जो साल 2020 के 5,310 के मुकाबले 1,000 ज्यादा हैं। 2020 और 2021 में राजस्थान में सबसे अधिक रेप के मामले सामने आए। प्रियंका गांधी कहती है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आप हाथरस गई थी आंदोलन करने, क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? या आपकी सरकार है तो राजस्थान की बेटियों का रेप करने की अनुमति है? 5 साल बीत गए, आपने और आपके भाई राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से इस बारे में एक शब्द नहीं कहा, पर अब देर हो चुकी है। क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लौटा सकते हैं जो बेटियों के साथ हुआ? या अशोक गहलोत जी कोई राहत शिविर लगाकर समय को वापस घुमा सकते हैं और बेटियों को उनकी इज्जत लौटा सकते हैं? उनके शरीर, उनकी आत्मा ने जो दर्द, जो पीड़ा सही है, ठीक कर सकते हैं? जिनके साथ हुआ उनका किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बूढ़ा बाप,
उनके दर्द के बारे में सोचा है तुमने? नहीं सोचा, बल्कि इस दर्द को महसूस करने के बजाय कांग्रेस की सरकार कहती है, और रेप के मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। राजस्थान में रेप होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान उन मर्दों का प्रदेश नहीं जो बेटियों का बलात्कार करें। राजस्थान तो उन मर्दों का प्रदेश है जिन्होंने बेटियों के मान के लिए, मां पद्मिनी के सम्मान के लिए अपने सर कटा दिए, जिन्होंने दुश्मन की बेटियों की इज्जत भी नहीं गिरने दी। पर तुमने राजस्थान का क्या हाल बना दिया है, तुम्हें इस दर्द का अंदाजा तक नहीं है। लेकिन पाप का घड़ा भर चुका है, समय सबका जवाब देगा। प्रियंका जी, राजस्थान की बेटी बताएगी कि बेटी कैसे लड़ती है और अपनी इज्जत ऐसी सरकारों से कैसे बचाती है।